साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं अनंत वक्ता। आज करंट टॉपिक में रिव्यू करेंगे, बात करेंगे मणिशंकर अय्यर के मुगल प्रेम की। चौदह नवंबर बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म जयंती समारोह में उनका मुगल प्रेम झलका। मुगल प्रेम क्यों झलका पता नहीं, अनायास था, क्योंकि मामला मुगल प्रेम का नहीं था, ना तो मुगल की किसी व्यवस्था पर उन्हें बात करनी थी। मौका था पंडित नेहरू की जयंती का, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, उनके बाल प्रेम की बात को आनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेताओं की इन्हीं मुस्लिम और मुगल प्रेमों की वजह से आए दिन वो सुर्खियों में रहते हैं और नैपथ्य में जा रहे हैं। आप खुद सुनिए उन्होंने क्या कहा, उसके बाद विश्लेषण करते हैं। वो इस देश में पूरे 50 साल तक उन्होंने राज किया, और इसी को मद्देनजर रखते हुए जहां में मंत्री होने के समय रहता था उस सड़क का नाम है अकबर रोड, और हमारा जो कांग्रेस का ऑफिस है वो भी अकबर रोड पर है। हमें तो कोई इतराज नहीं है, हम नहीं कहते हैं कि नहीं नहीं कांग्रेस है, हम अकबर रोड पर हम कैसे रह सकते हैं, इसको आप महाराणा प्रताप रोड बना दीजिए, हमने कभी नहीं कहा। क्योंकि हम अकबर को अपना समझते हैं, हम उनको गैर नहीं समझते। आपने वीडियो देखा, आप समझ गए होंगे मणिशंकर अय्यर की मनोदशा को क्या दर्शाता है। पिछले दिनों अभी सलमान खुर्शीद की लिखी पुस्तक अयोध्या में उन्होंने हिंदुओं को सबसे बड़ा आतंकी कहा, वहीं मणिशंकर अय्यर ने मुसलमानों को सबसे बड़ा शांतिप्रिय शासक बताया। तो भैया मणिशंकर अय्यर जी, अगर मुस्लिम बहुत शांतिप्रिय शासक थे तो औरंगजेब का नाम दुनिया के सबसे बड़े आतताई और हिंदू धर्म विरोधी शासक के तौर पर क्यों लिया जाता है। आज देश की जनता समरसता की बात करती है, सचमुच सही मायने में समरस रहना चाहती है, लेकिन इस बात को आप कहां नहीं पचा पा रहे हैं कि भारत एक हिंदू बाहुल्य देश है। ऐसे में मुस्लिम परस्ती का मतलब, मकसद और जरूरत क्या है। मणिशंकर साहब, आपसे पहले कांग्रेस को बड़बोलेपन के नाते नाश करने वाले दिग्विजय चाचा और कई लोग रह चुके हैं, क्या वो कम है। सुधरिए, समाज की मुख्य धारा में रहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। स्वच्छ स्वच्छंद राजनीति करिए, उस राजनीति से ही समाज देश राष्ट्र का भला होगा। जन भावनाओं के खिलाफ कश्मीर पर पाकिस्तान से संबंध पर, मुस्लिम शासकों के प्रेम पर, भारतीय हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाकर, ये कई सारे ऐसे मामले हैं जो कांग्रेसियों को पीछे ढकेलते लगातार जा रहे हैं। राष्ट्रवादी बनिए, राष्ट्र प्रेमी बनिए, आप रहें या ना रहें, आप राष्ट्र जरूर रहना चाहिए। अगर आपको मणिशंकर जी नहीं समझ में आ रहा है तो देश के सशक्त प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा गांधी से सोचिए, समझिए, सब सीखिए। उन्होंने कहा, मैं रहूं या न रहूं मेरा देश रहे। बहरहाल आवश्यकता है कांग्रेस आत्ममंथन करे और ऐसे वाहियात लोगों को बिना मतलब की बात करने से रोके, तभी देश समाज और राजनीति का भला होगा। क्योंकि देश का जरूरी विकल्प है कांग्रेस, कांग्रेस का रहना, उसकी विचारधाराओं का रहना जरूरी है। मिलते हैं किसी दूसरे कंटेंट के साथ, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।